अब हमारी अंतिम क्वांटम संख्या है जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। चक्रण क्वांटम संख्या को हम एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है एस द्वारा, जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है ना। अब चक्रण क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, वो हमें इलेक्ट्रॉन का रोटेशन बताती है कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, कैसे घूम रहा है, उसके घूमने की स्थिति को हमें बताता है, ठीक है ना। चक्रण क्वांटम संख्या से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार की गतियां प्रदर्शित करता है सामान्यतया, ठीक है ना। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के चारों ओर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने अक्ष के चारों ओर, अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। इस गति को चक्रण गति कहा जाता है, इस गति को चक्रण गति कहते हैं। एक तो हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने कक्षों में जो उसके ऑर्बिट है उसमें वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। बोहर थ्योरी में हमने पढ़ा था कि माना ये नाभिक है, ये कक्ष है, तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में गति करता रहता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। एक गति होती है कि अपना जो परमाणु है उसके अक्ष के अनुदिश, यानी जो अक्ष है उस अक्ष के चारों ओर भी गति करता है। तो दो प्रकार की गतियां हो गई, एक वृत्ताकार मार्ग में होने वाली गति, दूसरा अपने अक्ष के चारों ओर भी, जैसे लट्टू घूमता है ना इस तरीके से, अगर हम देखें तो वो भी, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, जिसको हम चक्रण गति कहते हैं, ठीक है ना, उसे हम चक्रण गति कहते हैं। अब ये जो क्वांटम संख्या है तीसरा, ये हमें इलेक्ट्रॉन के चक्रण को समझाती है। इससे हम क्या पता लगाते हैं, चक्रण की, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में चक्रण कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है वो दो प्रकार का चक्रण होता है, दो प्रकार का चक्रण होता है। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी जा रही है ऐसे भी घूम सकता है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दो दिशाएं, दो प्रकार होते हैं, पहला वामावर्त और दक्षिणावर्त हम इसको कहते हैं, वामावर्त और दूसरा दक्षिणावर्त, अंग्रेजी में कहें तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज जैसे जहां को घड़ी घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज उसके विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन के चक्रण दो प्रकार के होते हैं, इसलिए चक्रण क्वांटम संख्या के मान भी दो होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। चक्रण क्वांटम संख्या के हमेशा दो मान आते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो प्लस हाफ होगा, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस हाफ। तो ये संभावना है, ठीक है ना। अगर किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर अभी आप आगे पढ़ेंगे तो हम, जब हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन ऊपर को दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नीचे को। ये इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं, आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इस पर भी ऋणावेश है, इस पर भी ऋणावेश है। अब ये दोनों साथ साथ अगर घूमेंगे तो क्या होगा, दोनों ऋणावेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसीलिए इस प्रतिकर्षण को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये एक दूसरे से दूर दूर रहें, क्योंकि अगर साथ साथ जाएंगे, एक ही दिशा में गति करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा साथ साथ रहेंगे, जिसके कारण इनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि किसी कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उन दोनों के क्वांटम संख्याओं के मान प्लस हाफ और माइनस हाफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होगा वो प्लस हाफ होगा और दूसरे का माइनस हाफ होगा, ठीक है ना। जैसे हम कक्षक बनाते हैं ना, अभी जैसे आपने एस पी कक्षक देखे तो हमने कहा उसमें तीन भागों में टूटता है, तो पहले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में दो इलेक्ट्रॉन, तीसरे में तीन इलेक्ट्रॉन। तो एक कक्षक में हमेशा दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही रहेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक और एक ऐसे नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए नहीं, इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन साथ साथ चक्रण कर रहे हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन साथ साथ चक्रण नहीं करते हैं, बल्कि वो विपरीत दिशाओं में, एक अगर क्लॉकवाइज कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए प्लस हाफ मान होगा, तो इसके लिए
माइनस हाफ मान होगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान होते हैं, जो एस है इसके दो मान होते हैं प्लस माइनस हाफ। अभी जब मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा तो धीरे धीरे आप उसमें समझेंगे। थैंक यू।